मौका मिलते ही चंद्रबाबू नायडू, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगेंद्र यादव को चौंकाने वाला दावा। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर योगेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू का जिक्र किया। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर योगेंद्र यादव ने कहा कि मैंने जो कहा था वो ही सही निकला। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मेरे मन में संतोष है और जनता ने अपनी ताकत दिखा दी। योगेंद्र यादव ने कहा, मेरे मन में इस बात का संतोष है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, संविधान से छेड़खानी करना संभव नहीं है। चुनाव आयोग के पक्षपाती होने के बाद भी जनता सब जानती है ये तंत्र पर जनता की जीत है। एनडीए की सरकार बनने को लेकर उन्होंने न्यूज तक से कहा, मैंने कहा था कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा लेकिन एनडीए को बहुमत मिलेगी। एनडीए में कई कच्ची ईंट हैं। एन चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता कैसा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहला मौका मिलते ही चंद्रबाबू नायडू के इनको छोड़ने को लेकर कोई संदेह नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड आप सब जानते हैं। योगेंद्र यादव ने क्या कहा? योगेंद्र यादव ने दावा किया कि एनडीए के 250 सीटें भी होती थी वो पूरी कोशिश करती है। 250 सीट से कम आना नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार है। इस बार की सरकार वो नहीं कर सकती जो कि पहले करती थी। योगेंद्र यादव ने पहले क्या दावा किया था? योगेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 240 से 260 सीटें का अनुमान जताया था। उन्होंने आगे कहा था कि एनडीए के सहयोगी दल 35 से 45 सीटें हासिल करेंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस 85 से 100 सीटें जीतेगी। उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई है। किसे कितनी सीटें मिली? बीजेपी के खाते में 240 सीटें गई हैं, वहीं कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने 37 पर जीत हासिल की। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू के खाते में 12 सीटें गई हैं।